फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 10 के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी विल सी द हाइलाइटेड पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, 3x³ + 4xy - 5x² इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है इक्वेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद इक्वल टू साइन इज कॉल्ड द इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, 3x + 9 इज इक्वल्स टू 0। एज यू कैन सी, इट हैज एन इक्वल टू साइन, सो इट इज कॉल्ड एन इक्वेशन। नाउ वी विल सी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। If the number of variables used in linear equation is 2, then equation is said to be linear equation in two variables. And similarly, if the variables used in linear equation is 1, so we call it linear equation in one variable. Now we will solve exercise 3.1, question number 1. Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situation algebraically and graphically. आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है कि 7 साल पहले मैं 7 गुना था तुम्हारी एज के, और 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज के 3 गुना हो जाऊंगा। हमें इस सिचुएशन को algebraically बताना है, फिर graphically भी बताना है। So let's solve this question. It is number, answer number 1, okay? So, let Aftab's age be X and his daughter's age be Y. According to the question, x - 7, we have done this because it tells in, उसने question में कहा है कि 7 साल पहले, so x - 7 और उसके बेटी के 7 साल बाद, 7 साल पहले, okay? So हमें minus करना है, और उसने बोला कि वो 7 गुना होगा, तो हम 7 multiply कर देंगे। Now we will solve this. x - 7y is equals to -49 + 7. x - 7y is equals to 9 में से हम 7 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आएगा 42, ओके, -42। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। नेक्स्ट पोर्शन में उसने कहा है कि 3 साल बाद, सो x + 3 and y + 3, और उसने कहा वो 3 गुना हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। x + 3 इज इक्वल्स टू 3y + 9। x - 3y इज इक्वल्स टू 9 - 3। x - 3y इज इक्वल्स टू 6, ओके। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। नाउ वी विल सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। 4x - 7 इज इक्वल्स टू -42। हम एक जगह x ले लेंगे, और -42 + 7y, हमें इसकी x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हम इसे पहले अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर सकें। सबसे पहले हम y की वैल्यू लेते हैं 5, ओके, -42 + 35। तो जब हम इसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास -7 आएगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारी x की वैल्यू निकल चुकी है, तो ये एक इक्वेशन बन गई हमारी। नेक्स्ट लेते हैं हम x की वैल्यू लेते हैं इस बार 0, ओके, -42 + 7y। हम -42 को यहाँ ले जाएंगे, सो इट विल बिकम 42 + 0 इज इक्वल्स टू 7y।
42 is equals to 7y. So 42 by 7 is equals to y. तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, तो y की वैल्यू 6 आ गई। तो हमें ऐसे ही करके सारी इक्वेशंस निकालनी है। ये मैंने दो निकाल ली, दो भी काफ़ी हैं, वैसे अगर हम चाहें तो तीन भी निकाल सकते हैं। ओके नाउ हम जो दूसरी हमारी इक्वेशन है उससे सॉल्व करेंगे, उसके इक्वेशंस निकालेंगे। हमारी दूसरी इक्वेशन है x माइनस 3y is equals to 6, okay? x is equals to 6 plus 3y. हम y की जगह 0 ले लेते हैं, पहले देखते हैं आता है या नहीं। 6 plus 0, ये हमारा x 6 आ गया, कि x 6 आ गया और y 0। नेक्स्ट हम लेते हैं, अब हम y की वैल्यू माइनस 1 रख के देखते हैं। 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3, तो ये हमारा निकल गया माइनस 1 एंड 3। तो हमने दोनों इक्वेशंस को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे इन इक्वेशंस को। ओके पहले हम ग्राफ बनाएंगे। थ्री टू एंड वन, यहाँ पे ओरिजिन होता है, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 एंड माइनस 6। यह माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7। सबसे पहले था हमारी फर्स्ट इक्वेशन करेंगे माइनस 7 5, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे माइनस 7 5, और यहाँ लिख देंगे माइनस 7 कॉमा 5। नेक्स्ट थी हमारी 0 6, सो 0 6 यहाँ पे 0 6। ओके ये एक इक्वेशन की कर दी, और पहले की थी 6 0 6 0, एंड नेक्स्ट है 3 माइनस 1, इट्स 3 एंड माइनस 1। ये पैरेलल लाइंस हैं, ये आप ये इसमें थोड़ी सी वैसे दिख रही हैं, अगर हम ग्राफ में बनाएंगे तो बिल्कुल ये पैरेलल लाइंस दिखेंगी। सो इसके ये ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट होगा। ओके अगर हम चाहें तो इसकी तीसरी वाली इक्वेशन भी बना सकते हैं, ताकि हम लाइंस को और एक्सटेंड करके अच्छे से दिखा सकें। ओके नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायस 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3,900 रुपीज। लेटर शी बायस अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर 1,300 रुपये। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली। कोच ने 3 बैट बाय किए और 6 बॉल्स 3,900 रुपये में। लेटर शी बायज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर 1,300 रुपीज़। हमें इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, सो लेट्स सॉल्व दिस। ये है हमारा आंसर नंबर 2। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, कॉस्ट ऑफ अ बैट एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल बी रुपीज वाई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट द कोच टेक 3 बैट्स, सो 3x एंड 6y इज इक्वल्स टू 3,900 रुपीज। ये फर्स्ट इक्वेशन है, एंड सेकेंड इक्वेशन है उसने सिर्फ एक बैट खरीदा था, तो हम सिर्फ लेंगे एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1,300 रुपीज़। ये हमारी कॉस्ट है, ये नंबर ऑफ बैट्स हैं, सॉरी ये नंबर ऑफ बॉल्स हैं और ये नंबर ऑफ बैट्स हैं। ये इक्वेशन 2। फोर इक्वेशन 1। अब हम इसकी इक्वेशंस निकालेंगे।
तो हमारी पहली इक्वेशन बनेगी इसकी, फर्स्ट इक्वेशन की ये बनेगी हमारी। अगर हम चाहें तो तीसरा निकाल सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है तीसरे निकालने की। एंड देन फोर इक्वेशन नंबर सेकंड, एक्स वाई, जो हमारी अब सेकंड इक्वेशन है, हम उसके इक्वेशंस निकालेंगे। तो हमारी सेकंड इक्वेशन की इक्वेशंस हैं हज 1000 by 100 एंड 100 by 400। अब हमको आंसर नंबर सेकंड का ग्राफ बनाएंगे। विल टेक 600, 700, 600, 500, 400, 300, 200 and 100 एंड देन ओरिजिन। देन यहाँ पे 100, 200, 300 एंड हमें लास्ट में 1300 चाहिए। तो हम इसे यहाँ पे डैश डैश कर कर, यहाँ पे दिखाना नहीं है यू नो, तो हम यहाँ पे 1300 लिख देंगे। और अब हम यहाँ पे, हमें इसमें नेगेटिव हमारा कोई नहीं है तो हमें इसका कुछ काम नहीं है। यहाँ पे एक्स है ये और ये वाई है। तो हमारी पहली इक्वेशन थी 1300, सो 1300 यहाँ लिख देंगे 1300। देन है 0650, यहाँ पे है 0650। देन 1000 and 100, यहाँ पे इससे पहले 1000 है तो यहाँ 1000 लिख देंगे। एंड 1000 100, यहाँ पे 1000 100 आ जाएगा। देन है 100 400, सो 100 and 400, हाँ 100 400 आ जाएगा। ये दोनों एक थी तो ये ऐसे आ जाएंगी और ये ऐसे आ जाएंगी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर। सो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. Represent the situation algebraically and geometrically. ये कह रहा है कि जो cost है 2 kg apples की और 1 kilo grapes की वो 160 थी, लेकिन एक महीने के बाद जो 4 किलो एप्पल्स की और 2 किलो ग्रेप्स की जो कॉस्ट थी वो ₹300 थी। तो हमें इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। आंसर नंबर 3, लेट द कॉस्ट ऑफ 2 kg कॉस्ट ऑफ 1 किलो, के 1 किलो लेंगे हम यहाँ पे, 1 किलो एप्पल्स बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 किलो ग्रेप्स बी ₹Y। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सबसे पहले आएगा 2X प्लस Y इज इक्वल्स टू 160। ये हमारी पहली इक्वेशन है। देन है 4X प्लस 2Y इज इक्वल्स टू 300। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। 2X प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160 विल मेड द इक्वेशन एक्स वाई इट्स 50 60 and 60 40। 4X प्लस 2Y इज इक्वल्स टू 300। वी हैव इक्वेशंस 70 10 and 80 minus 10। इसका ग्राफ बहुत इजीली बन जाएगा, तो मैं इसका ग्राफ नहीं बना रही हूँ। आप इसका ग्राफ ट्राई कीजिएगा, अगर आपसे नहीं बने तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको एक वीडियो में इसका ग्राफ बना के दिखाऊंगी। फिर फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।